जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका माइंड एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे सीआरपीएफ ड्राइवर और दोस्तों ट्रेड्समैन भर्ती 2023 के बारे में। जी हां साथियों, सीआरपीएफ के नोटिस के अकॉर्डिंग 25 जून 2024 को है वो सीआरपीएफ की तरफ से आप सभी के एडमिट कार्ड जारी होने थे, सुबह एडमिट कार्ड जारी नहीं किए गए थे और दोस्तों दोपहर के बाद है वो सीआरपीएफ की तरफ से नोटिस जारी नहीं किया गया था। सरकारी रिजल्ट पर दोस्तों जो भी लिंक था वो एक्टिवेट हुआ और दोस्तों उससे अभ्यर्थियों ने अपने एडमिट कार्ड देखा और दोस्तों एडमिट कार्ड पर जो डेट थी वो 10 से 15 जून की लगभग सभी अभ्यर्थियों की यही डेट थी। और दोस्तों जब शाम होते होते यानी दोस्तों जब 3-4 बजे का समय बीता तो उस समय तक जब अभ्यर्थी उस लिंक से अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर रहे थे तो उनको जो कोलेटर वाला ऑप्शन है वो दिखाई नहीं दे रहा था, काफी ज्यादा आपके कॉल मैसेज भी आए। उसके बाद में जब हमने चीजें चेक की तो वो लिंक नहीं था। जब शाम हुई तो उस समय तक है वो सीआरपीएफ की वेबसाइट पर आपका एक नोटिस प्लस दोस्तों लिंक अपडेट किया गया, जैसा कि देख सकते हैं 25 जून को। ये चीज मैं आपको आगे डिस्कस भी करने वाला हूँ। शाम तक होते होते दोस्तों एक लिंक प्लस दोस्तों साथ में आपका यहाँ एक नोटिस अपडेट किया गया कि आपके 25 जून से लेकर है वो 24 जुलाई तक एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। और शाम होते होते वो लिंक भी जहाँ एडमिट कार्ड बच्चे देख रहे थे वो भी सीआरपीएफ की तरफ से है वो डीएक्टिवेट कर दिया गया, जिसमें आपका बताया गया कि इस डेट से इस डेट के बीच आपका ये लिंक एक्टिवेट रहेगा। तो क्या पूरा माजरा है, कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी थे जिनका सिलेक्शन लिस्ट में दोस्तों जब रिजल्ट आया उस लिस्ट में उनका नाम नहीं था, उसके बावजूद भी उनको मेल आई, उनको मैसेज आया कि आपका इस दिन इस सेंटर में विथ नेम उनकी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये आया कि उनका इस दिन आपका ट्रेड टेस्ट और फिजिकल एग्जामिनेशन होना है। वो अभ्यर्थी जब एडमिट कार्ड देख रहे थे तो एडमिट कार्ड वो नहीं देख पा रहे थे। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो जिस समय आपके एडमिट कार्ड जारी किए गए वो क्वालिफाई थे परंतु उनका एडमिट कार्ड नहीं जारी किया गया था। पूरा माजरा क्या है, कब आपके फिर से एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे, क्या डेट में कोई बदलाव किया जाएगा, सभी जो मन में आपके सवाल हैं वो साथियों हम डिटेल से आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, ताकि दोस्तों आप पूरे मन से डेडिकेशन से हैं जो बचा हुआ समय है उसमें एक बेहतरीन तैयारी आप कर सकें। तो कोई भी दिक्कत परेशानी आपको डॉक्यूमेंट संबंधित, फिजिकल संबंधित या दोस्तों आपको मेडिकल संबंधित कुछ जानकारी लेनी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। चले कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दोस्तों दे देते हैं। अगर दोस्तों मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की बात कर लेता हूँ, उससे पहले बता देना चाहता हूँ, अगर आप सीआरपीएफ ड्राइवर या दोस्तों आप बगलर के अभ्यर्थी हैं, आप कॉन्स्टेबल यहाँ कुक के वाटर कैरियर के या सफाई कर्मचारी के अभ्यर्थी हैं तो दोस्तों आप हमसे जुड़कर ऑफलाइन तैयारी भी कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, ड्राइवर बगलर प्लस दोस्तों कॉन्स्टेबल आपके कुक वाटर केयर और सफाई कर्मचारी के ऑफलाइन बैचेज हमारे शुरू हो चुके हैं। कॉन्टेक्ट नंबर दोस्तों हमारे ये रहने वाले हैं, इन दोनों नंबरों पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं और हमसे जानकारी ले सकते हैं। हमारा इंस्टीट्यूट रहेगा सीकर राजस्थान में, सीकर डिस्ट्रिक्ट है उसी में मेन सिटी के अंदर ये हमारा इंस्टीट्यूट रहने वाला है। इसमें प्रॉपर फैसिलिटीज रहने वाले हैं क्योंकि समय कम है, काफी बच्चों का फिजिकल का टाइमिंग भी नहीं आ रहा है तो उसके साथ हम पूरी जिम्मेदारी के साथ आपका जितना फिजिकल का टाइमिंग है उससे दोस्तों 2-3 मिनट आपको कम में हम फिजिकल यहां करवाने वाले हैं। प्लस दोस्तों संपूर्ण जिम्मेदारी आपकी हमारी ट्रेड की रहने वाली है, चाहे आप ड्राइवर की अभ्यर्थी हैं, चाहे बिगलोर के हैं, चाहे किसी भी ट्रेड के हैं जिसमें हम तैयारी करवा रहे हैं तो उसके लिए पूरी तरह प्रिपरेशन हम आपको करवाने वाले हैं, डेडिकेटेड प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। फीस वगैरह की जानकारी, बेच वगैरह की जानकारी इन नंबरों पर आप हमसे ले सकते हैं। एड्रेस रहेगा NH 52 भारतीय स्कूल के पास सीकर राजस्थान। जैसे आप सीकर राजस्थान पहुंचते हैं सीकर डिस्ट्रिक्ट में, आप रेलवे स्टेशन या दोस्तों आप पहुंचते हैं बस डिपो तो इन नंबरों पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पास ही इंस्टीट्यूट है, वहां से हम पिकअप को आपको कर लेंगे, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं रहने वाली है। एक बेहतरीन तैयारी के लिए साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चले आगे हम बात कर लेते हैं आपके जो चीजें हैं वो सीआरपीएफ की तरफ से की जा रही है। जब मैं दोस्तों इस ई एडमिट कार्ड वाले जैसे कि देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ द फिल अप वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ कॉन्स्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन पायनियर मिनिस्टर इन द सीआरपीएफ एग्जामिनेशन 2023, इस लिंक पर दोस्तों जब मैं क्लिक कर रहा हूं तो यहां एक लाइन शो कर रही है, लॉग इन टू फॉर्म विल बी अवेलेबल ओनली बिटवीन 11-8-2023। दोस्तों 11 अगस्त 2023 9:30 से है वो 24 जून 2024 10 बजे तक ये सारी चीजें अवेलेबल रहेगी। तो ये दोस्तों आपका कोई टेक्निकल ग्लिच है जिसके वजह से यहाँ शो कर रहा है, क्योंकि इन डेट से इस भर्ती का कोई भी ताल्लुकात नहीं है। तो यहाँ दोस्तों है वो आपको इस लिंक को देखकर आपको ये नहीं सोचना है कि हमारे ट्रेड टेस्ट पोस्टपोन हो गए हैं,
क्या हमारी ऐसी कुछ चीजें हो गई, अगर कुछ ऐसा होता तो सीआरपीएफ की तरफ से एक नोटिस जारी किया जाता। अब मैं आपको सीआरपीएफ वाला नोटिस भी दिखा देता हूँ। ये इसी के साथ नोटिस जारी किया गया। नोटिस में दोस्तों वही चीजें आपकी मेंशन है, जैसे कि आप देख सकते हैं सीआरपीएफ ने बोला कि 10 तारीख से ही आपके ट्रेड शुरू होंगे और जो आपके ई एडमिट कार्ड है वो 25 जून 2024 से लेकर, यानी दोस्तों 25 जून को इनको 10 बजे एडमिट कार्ड जारी करने थे, 10 बजे ना होकर लगभग 12-1 बजे एडमिट कार्ड जारी हुए। उसके साथ ही 24 जुलाई है वो 7 PM यानी दोस्तों शाम तक है वो आप एडमिट कार्ड अपने देख पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ ये क्लियर हो चुका है कि आपका जो यहाँ फिजिकल ट्रेड होगा वो लगभग 25-26 तारीख तक है, जुलाई तक आपका कंडक्ट है वो करवाया जाएगा। काफी बच्चों के 25 जुलाई 26 जुलाई तक एडमिट कार्ड भी आए हैं, तो पहली बात ये क्लियर हो चुकी है। क्योंकि यहाँ दोस्तों जो सीआरपीएफ की तरफ से है जो नोटिस आपका जारी किया गया वो 24 तारीख को किया गया था कि आपका जो ट्रेड शुरू होंगे वो आपका 10 जुलाई से होने वाले हैं, वो नोटिस है वो 18 जून का था। और वहां अब मैं आपको दिखाऊं तो दोस्तों यहाँ डेट भी आप देखेंगे कि 18 जून की ही है, परंतु ये नोटिस 24 जून को आया। यानी कुछ ना कुछ दिक्कत सीआरपीएफ की वेबसाइट से चल रही है, कुछ टेक्निकल ग्लिच चल रहा है, किसी भी तरह की कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली है। अब इस मुद्दे पर आते हैं, क्या एडमिट कार्ड फिर से आपके आने वाले हैं, क्या एडमिट कार्ड की डेट में कोई बदलाव होगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी आपका सेंटर है वो शेड्यूल कर दिया गया है, सेंटर आपको अलॉट कर दिया गया है, आपको टाइमिंग अलॉट कर दिया गया है। तो ये कोई भी परेशानी आपको नहीं होने वाली। जिन बच्चों का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुका है वो उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी चलते रहिए। और दोस्तों जिनका एडमिट कार्ड अभी शो नहीं किया है उनका आज आपका आज शाम से पहले पहले है। जिस तरह हमने हेल्पलाइन नंबर पर बात की, उनसे मेल भी हमने किया, तो आज शाम तक जो भी टेक्निकल ग्लिच सीआरपीएफ की वेबसाइट पर है वो आपका क्लियर हो जाएगा, कोई भी परेशानी नहीं होगी। जिन बच्चों का क्वालिफाई हो चुका है, लिस्ट में नाम है, कोई इश्यू नहीं है, उनके पास प्रूफ है कि हमारा लिस्ट में नाम है। इसके अलावा कोई बच्चे ऐसे हैं जिनका लिस्ट में नाम नहीं है, उसके बावजूद भी उनका एडमिट कार्ड लिस्ट में है, तो ये उन बच्चों की दिक्कत है। आप मैन्युअली सर्च कीजिए, आप जो जिस ट्रेड से हैं, आप जिस कैटेगरी से हैं, आप जिस स्टेट से हैं, उस स्टेट की जो आपकी ट्रेड है उसमें नाम सर्च कीजिए, आपका मिल जाएगा। क्योंकि कई बार जब हम सर्च करते हैं तब हमें नाम नहीं मिलता है, तो यहाँ आपके पास एडमिट कार्ड आपके नहीं निकल रहे हैं तो कोई दिक्कत परेशानी आपके पास नहीं है। आपकी जो रजिस्टर्ड मेल आईडी है जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था उस पर इस प्रकार का आपको मेल रिसीव होगा, यानी इसमें आपकी सारी डिटेल होगी कि आपका कौन सी चीजें कब नोटिस था, ये सारा आपका है। सीआरपीएफ का सीक्वेंस नंबर आपको जारी किया जाएगा, यहाँ साथ में दोस्तों आपका नाम भी मेंशन होगा, आपका रोल नंबर मेंशन होगा, आपका किस दिन ट्रेड है, यानी दोस्तों इस बच्चे का 20/7/2024 को ट्रेड है, कहाँ है आपका, लखनऊ के अंदर आपका रहने वाला है इसका ट्रेड है, रिपोर्टिंग टाइम क्या है। क्योंकि इसको लेकर भी कई बच्चे परेशान थे कि सर सुबह का टाइम है या शाम का टाइम है, तो साथियों ये सुबह का 5 बजे का टाइम है और इससे पहले भी आपको यहाँ लगभग 1 घंटे पहले पहुंचना है। उसी के साथ दोस्तों इन्होंने लिंक भी यहाँ दिया है, तो अगर एडमिट कार्ड किसी कारणवश आपका नहीं निकलता है तो इसी का प्रिंटआउट आप लेके जाइए, अपनी आईडी लेके जाइए, आपको एंट्री मिल जाएगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर मेल आईडी खो चुकी है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा दोस्तों आपको है यहाँ भी एक मैसेज आया होगा, एक मैसेज रिसीव होगा जिसमें आपकी सीआरपीएफ के नंबर हैं और आपको सारी चीजें मेल आईडी पर भेज दी गई है, ये भी आपके प्रूफ के तौर पर काम कर सकता है। तो कोई दिक्कत परेशानी आपकी नहीं होने वाली है। जो बच्चे ऑलरेडी क्वालिफाई है उन सभी के एडमिट कार्ड है वो आज शाम तक जारी कर दिए जाएंगे। 10 जुलाई से ही आपका साथियों ट्रेड शुरू होने वाला है, उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है और 30 से 32 सेंटर बनाए गए हैं, इसके वजह से ही आपका जल्दी जल्दी ट्रेड है, यानी लगभग आपके है सभी जो बच्चे हैं उनका 10 से 15 तारीख तक ही ट्रेड है। तो बाकी कुछ दिन बाकी आगे भी हो, 26-27 तारीख तक भी है, परंतु काफी कम बच्चों का उस डेट में है, 10 से 15 तारीख के बीच ज्यादा ट्रेड है, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं। जो आपको लिंक ये दिखाई दे रहा है सीआरपीएफ की वेबसाइट पर, यही दोस्तों लिंक है वो आपका है, कभी भी अपडेट हो जाएगा, जैसे अपडेट होगा हम भी आपको सूचित कर देंगे। मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा, उस पर क्लिक करते ही आपका यहाँ एडमिट कार्ड लॉगिन और दोस्तों साथ में आपका ऑप्शन आ जाएगा जिसमें आप रजिस्ट्रेशन नंबर प्लस दोस्तों आप पासवर्ड डाल सकते हैं। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर लॉगिन रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड हमारे पास है ही नहीं, तो कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं है, उसमें फॉरगेट करने का भी ऑप्शन है जिसमें आप अपनी मेल आईडी पर फॉरगेट कर सकते हैं। अब एक दो बच्चों का ऐसे भी कॉल आए जो बोल रहे थे सर हमारे पास मेल आईडी नहीं है, तो मेल आईडी नहीं है तो आप ये चीज नौकरी डिजर्व भी नहीं करते हैं कि आपको पास मेल आईडी आपको याद नहीं है या मेल आईडी भी आपकी गायब हो चुकी है, तो
हमने भी ये संपर्क साधा कि सर इसका कोई सोल्यूशन हो सकता है कि सीआरपीएफ से, तो उन्होंने बोला इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, जो बच्चा अपनी मेल आईडी यहां ढंग से नहीं कर सकता तो हमारे पास उसका क्या सोल्यूशन होगा। तो मैं उसका सोल्यूशन आपको बता देता हूं। सोल्यूशन ये है कि आप जो आपको टेक्स्ट मैसेज आया है ये लेके आप जा सकते हैं, बाकी आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। 10 तारीख को आप पहुंच जाएगा सेंटर में, जिस स्टेट से हैं हर स्टेट में आपके सेंटर बनाए गए हैं। इसके अलावा कहीं ना कहीं जिंदगी में जितनी ईमेल आईडी बनाई है उनको पासवर्ड फॉरगेट करके उनको ओपन करके आप देख सकते हैं। बाकी साथियों आपकी जो एडमिट कार्ड है वो आपके शाम तक है, वो सभी के जारी कर दिए जाएंगे। जी जान तरीके से आप तैयारी में जुट जाइए। सभी को लिए हम आपको है वो आपका जो डॉक्यूमेंट का वीडियो है वो भी मिल जाएगा, बाकी जानकारी के लिए आपको वीडियो मिल जाएगा। और एक बेहतरीन तैयारी के लिए दोस्तों आप हमारे साथ माइंड एग्जाम ड्राइविंग स्कूल एंड डिफेंस एकेडमी में जुड़ सकते हैं, जिसमें आपके बगलर, ड्राइवर, वाटर कैरियर, कुक और सफाई कर्मचारी के ऑफलाइन बैचेस शुरू हो चुके हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने, जिसमें आप बेस संबंधी जानकारी ले सकते हैं। सीखकर आस्थान हमारा जुट रहने वाला है। कोई भी एडमिट कार्ड दोबारा जारी नहीं होंगे, फिर बता दूं कोई भी डेट में बदलाव नहीं। इस वीडियो में साथ ही होते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।